8 घंटे घने जंगल और पहाड़ चढ़ने के बाद हम चार दोस्त पहुंच गए हैं ग्लो लेक। पर एक सेकंड, वीडियो यहाँ से शुरू नहीं होता है, वीडियो शुरू होता है मेरे गांव से। बिल्कुल सही बोला रूपम भाई, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम चार दोस्त मिलकर जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही रिमोट लोकेशन पर बसा हुआ ग्लो लेक, और वहाँ पहुँचने के लिए हमें लगभग 15 किलोमीटर हाइकिंग करना पड़ेगा और ऊपर से नो नेटवर्क जोन। यदि ये लोकल है ना? लोकल है ना। किसे ये किलो? 30 रुपये। तो छोटा मोटा बाजार हो चुका है। कितना कितनी कद लीस? 1.5 किलो। कहाँ से पानी लेते भाई? हमको नहीं चढ़ा है घोड़ा में। अभी दो रोड है, अभी मालूम नहीं है किधर है यार। अभी इधर भी ऐसा कहीं इधर भी। ये लेक के बारे में कुछ था ना, कुछ पूजा वूजा करता है बोलता है आगे पहले। नीमक लेकर था ना? नीमक मशा बार खत्म हो रही बार पे ना। हां लेके देगा था सुनना। ऐ तो जाति बम को हम लोग ना। हां हां रोना उसमें पेन है तो कुछ पूजा किया वाला देखे ना। हां आप पूजा कर लीजिए। अगरबत्ती भी लिया है तो कुछ नाम से 1 रुपया 8 रुपया कुछ रख के जाइए उसमें कुछ ना। ऐसे आप लोग वहां में गंदा मत करो ना। मतलब कि आप लोग कुछ नहाओ मत। हां नहीं नहीं। तो अभी ट्रैक पर तो हम लोग जैसे कि गोरखा है, तो इन्होंने खुकुरी लेके आए थे, खुकुरी चला दी। वो खुकुरी का एक रिवाज है कि अगर खुकुरी निकालोगे तो मतलब खून खून मियान से निकला तो हाँ बोल दीजिए उसमें खून लगा नहीं पड़ेगा। नहीं खून बहना ही पड़ेगा, खुद का भी ब्लड होने से भी लगा। अगर किसी का दूसरे का खून नहीं हुआ तो खुद का भी खून दिखा दो। खून दिखा दो थोड़ा सा। ये तभी पक्का गोरखा लिया तुम्हें जी ब्रो। जय गोरखा। हाँ ठीक है। सो ये है पहला ब्रिज, तो जा तो इस ब्रिज में मतलब थोड़ा सा पुराना है तो बस ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है। वो फॉरेस्ट के रेंजर लोग यूज़ करते हैं, पब्लिक के लिए इतना यूज़ नहीं होता। तो फिलहाल एक बार में बस दो आदमी जाने का रिकमेंडेशन है, रिकमेंड किया है फॉरेस्ट रेंजर लोगों ने। तो वही एक आदमी में भी हिल रहा है थोड़ा। ये देखो ये पूरा थोड़ा सा पानी से गीला हो गया, ये रिप्लेस करने का टाइम आ गया, थोड़ा सा रिस्की है। रन फॉरेस्ट रन यार, उधर से हिला रहा है, बड़ा रिस्की है यार। यार नीचे खाली है यार, इधर लोहा नहीं है। पक एक हाथ में इधर पकड़ के जा रहा हूँ। अरे यार ये रहा पहाड़। और एक ब्लॉगिंग आईफोन से करने का एक प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी स्टोरेज फुल हो जाता है। ये ट्रैकिंग नेक्स्ट लेवल, बहुत चढ़ाई करना पड़ा। वी हैव टू क्लाइम अपहिल एंड टू मच वेट ऑन अस। बाबू को भी देखा न खाया रे पानी बोतल को पानी है यहाँ को मैं तो मुख मुख लोग मत कर। अरे ट्रैकिंग के स्टार्ट में सब हैप्पी थे, सब खुशी के, सब कुछ एडमें खुशी थी। अभी देखिए सब सीरियस मोड पे वो लोग आ रहे हैं। देखो कहाँ गई खुशी जो ट्रिप स्टार्ट करने के आगे थी। कहाँ गई दोनों ग्लो लेक में। नहीं कहाँ गई वो खुशी। सानू भाई ठीक सुन अभी वो लोकेशन तो नहीं पहुँचे, कलाई बोल के एक जगह है रेस्ट हाउस, जाने का ट्राई कर रहे हैं। और 3 किलोमीटर और चढ़ना है और नीचे जाना भैया। अभी मिलते हैं अगले क्लिप में। आजाओ कमन ज़्यादा नहीं है। चल हम लोगों के साथ थोड़ा पानी शॉर्ट हो गया तो अभी बेम्बू में चेक कर रहे हैं पानी।
तो दिल्ली में असंगत तो है रहने की, तो चेक करते इधर अगर दिल्ली में से प्रॉब्लम है। और भी 2 किलोमीटर दिखा रहे, 2 घंटा लगेगा शायद। नहीं है इधर, इधर भी नहीं है, बात नहीं। इधर भी चेक किया, यहाँ भी पानी नहीं है। थोड़ा सा निराशा हाथ लगी है, यहाँ भी पानी नहीं है, यहाँ भी पानी नहीं है। अभी नदी का साउंड भी उतना सुना नहीं, इधर है। अभी लोकेशन में तो दिखा रहे हैं GPS में, कल आई और भी 3 किलोमीटर दिखा रहे हैं। चढ़ते जा रहे, नीचे आए नहीं रहे। तो आगे बढ़ते, देखिए मिलता हूँ ब्रो। पानी हाँ, पानी हरा बन। हम सब लोग इतना थके हुए थे कि वहीं पर कैंप लगाने वाले थे, बट थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर से ट्रैक को कंटिन्यू रखा। और चलते चलते 5 मिनट हुआ ही था कि हमें कलाई का कैंप मिल गया। इधर बहुत रात हो चुकी है, इधर पाक निकलने वाला है। रूम टूर करा देते हैं। कौन कला क्यों गाय को कह रहे हो? तुझे दुखो मेरे। ये हम लोग का डेरा, ये दूसरा टेंट, और ये है हम लोग का टेंट, और ये रहा यहाँ का कैंप, जो कि जिसने भी बनाया है बहुत ही थैंकफुल रहेंगे हम लोग, आभारी रहेंगे, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ। ये नहीं होता तो बहुत ही मतलब वाइल्ड एनिमल्स का थोड़ा सा डर रहता। और यहाँ पे है कुछ, ये ऐसा नाम इंग्लिश में मालूम नहीं, हिंदी में मालूम नहीं, तो थोड़ा सा सिट्रस फ्रूट है कुछ, बड़ा टाइप का लेमन टाइप का है, तो रिहाइड्रेशन में बहुत हेल्प करता है। चल रहा कल का थोड़ा सा राइस था और मैगी। मनोज टांडा कैमरा डिस, थोड़ा सा पीछे जाइए। अच्छा सा हम लोग का लोगो बना दिया है थोड़ा सा, तो वी वेर हियर, तो थैंक यू कलाई फॉर होस्टिंग अस। देखिए ये रियलिटी दूसरा है, फिर कैमरा लेके आना पड़ता है। कैमरा कौन छोड़ के जाएगा? चल चल मोबाइल ले रहा हूँ ना, लास्ट में आओ। रुको मोबाइल ले रहा है, चलो अच्छा व्यू थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद ही आता है। ये तुमने ज़्यादा देर कर रहा है, इसलिए हम लोग आगे आगे छिप गया है, छुपम छुपाई खेल रहे हैं। इधर आ रहा है, देखना रिएक्शन क्या होगा। हम लोग उसके पीछे चले जाएंगे। ओए ओए मनोज इधर, ये था ना तो थोड़ा सा व्यू दिख रहा है मोबाइल में, जस्टिफाई करके नहीं कर रहा। ये लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं है, अभी अभी लगभग 15-20 मिनट का रास्ता है ऐसे लग रहा है। ओह लेग दिख रहा है, कम ऑन।
की लम खा रहे दे हिजो तो यो टेको थे खाए थैंक यू जिसने भी रख के गया है थैंक यू थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हुआ था फील हो रहा था अभी कर रहे हैं रिहाइड्रेशन और रेजुविनेट हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया कि यहाँ पे घर बना हुआ है ये बना हुआ है ये बना हुआ है सोलर है ये सब है सीमेंट का ये है लेकिन मतलब ट्रैक बहुत ही छोटा है तो हम लोगों को नहीं लगता है कि मतलब सीमेंट पकड़ के कोई यहाँ पे आया होगा तो मनोज जी क्या क्या लगता है आपको ये तो कब चॉपर से लाया गया है चॉपर से वही नहीं तो इतना बहुत सामान है इधर तो वही गेस कर रहे हैं हम लोग चॉपर से ही पॉसिबल है नहीं तो आदमी पहुंचना इतना कठिन है पहुंच जाता है लेकिन नहीं ये टीना वीना ले गया है लेके आया है रास्ता बहुत नैरो है हाँ तो आज सेकंड डे का डिनर बन रहा है सोयाबीन और चावल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस लेक का सर्वेलेंस के लिए एक टावर हाउस बना के रखा है यहाँ ऐसा सन्नाटा है कि किसी न किसी जानवर का आवाज सुनाई देता ही है और अभी साउंड आ रहा है आपका हुलुक जीवन का आ गया है गुड बाय कहने का टाइम आ गया है तो जैसे कि इधर सामान लाने के लिए बहुत दिक्कत होती है इसी तरह से हम लोगों ने किसी किसी जैसे मैंने एक ब्लैंकेट डोनेट किया है रख के गया है और उन्होंने एक प्लेट रखा है इसे सभी लोगों ने एक एक चीज़ डोनेट मतलब रख के गया है ये मेरी तरफ से क्लीन ब्लैंकेट और आप लोग कोई वीडियो देख कर आ रहे हो तो ये ब्लैंकेट बिल्कुल अच्छा है बस सनशाइन में रख देना कोई और यूज़ कर सके बाप रे हम लोग ना हम लोग सोचा हेलीकॉप्टर से लेके जाता होगा नहीं तो बाप रे जमीन एक बैग में 3000 देते हैं हां वही तो बहुत देना पड़ेगा इसलिए तो एक बैग में कैरिंग का 3000 रुपए हां बाप रे दो सीमेंट बोक देता है तुमने माना है 100 किलो का पता है वो दो ना माय लोग एक बने एक तो स्लिप यहां में जबरदस्त एक तो सकता है कोई हां वो एक तो वाला ना टकरा है क्या बोलेगा दो एक तो रोड में जितना कचरा मिल रहा है सब उठा के जा रहा हूं लास्ट में कोई 10 मिनट डंप कर दूंगा नहीं तो जला दूंगा